हे वेलकम बैक, मेरा नाम शिव और आप देख रहे हैं रिवाज। हम चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो शुरू करते हैं सर्वनाम। ठीक है, क्या शुरू करते हैं? सर्वनाम। चलिए ब्राइटनेस देख लें, ठीक फुल है। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, क्या हो रहा है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम अब तक पता नहीं होगा, अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा भी नहीं होगा, सर्वनाम की संख्या। ठीक है, सर्वनाम की संख्या होती है 11 होती है। क्या होती है? सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ठीक है, तो सर्वनाम की संख्या तो 11 पता चल गया। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो सर्वनाम मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जैसा, वैसा, ये होते हैं हमारे 11 सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जैसा, वैसा। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं जल्दी से, फिर से रिपीट करेंगे। मैं, तुम, आप, पहले तीन उठाते हैं, मैं, तुम, आप, फिर यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जैसा, वैसा। ठीक है, मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जैसा, वैसा। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से देखते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, कौन, क्या, जैसा, वैसा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला तो पुरुषवाचक। ठीक है, क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी आपको बताएंगे इनको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक या सिंपल सा तरीका। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? सर्वनाम। ठीक, तीन हो गए। फोर्थ क्या होगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम लिख लेना बाद में। फिफ्थ होगा हमारा निज के बाद संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको शॉर्ट कैसे याद कैसे करेंगे? सर्वनाम में पुरुष निश्चित अनिश्चित निज संबंधों पर प्रश्न उठाता है। ठीक है, क्या करता है पुरुष? क्या करता है पुरुष? निश्चित अनिश्चित निज संबंधों पर प्रश्न करता है। क्या करता है पुरुष? पुरुष निश्चित अनिश्चित निज संबंधों पर प्रश्न करता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, आसान है। एक बार फिर से, पुरुष क्या करता है? पुरुष निश्चित अनिश्चित निज संबंधों मतलब स्वयं के संबंधों पर प्रश्न करता है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सोचते हैं धड़ाफट से इसको धड़ाधड़ खत्म कर डालते हैं। ठीक है, डोंट माइंड मैं क्या बोलता हूँ, बस आप याद रखेंगे क्या मैं सिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ वो जरूरी नहीं, मैं क्या सिखाता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक, पहला पॉइंट क्या है हमारा? निज संबंध मतलब प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक गंदा दिख रहा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? एक सेकंड में थोड़ा बोर्ड को देख लूँ। पिछले मेरे दो वीडियो में व्हाइट बोर्ड खसक के नीचे आ जाता था, मतलब कैमरा खसक जाता था धीरे धीरे, तो ये कट जाता था। ठीक है, अभी तो क्लियर है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम तो देखते हैं जिन शब्दों में, ठीक, जो शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है? तो जो शब्द संज्ञा पुरुषवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तीन होती है, ठीक है। इनके भेद करेंगे तो तीन भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो क्या होता है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, पुरुष, अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। क्लियर है? अच्छा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देखो। उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला, वक्ता। वक्ता क्या होगा? वक्ता, वक्ता को क्या कहते हैं? बोलने वाला, ठीक है, बोलने, बोलने वाला, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं। तो मैं क्या हुआ? मैं वक्ता हुआ, मैं बोलने वाला, ठीक है। मैं इसमें क्या वर्ड आएगा? मैं आता है, हम आता है, ठीक है। मैं एक वचन के लिए, एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे। हम बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन, ठीक। एक से अधिक होंगे तो हम, हम मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारे लोग लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे तो हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ तो हम जा रहे हैं। क्लियर है? मध्यम पुरुष, ठीक है, श्रोता होता है। क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला। अभी आप क्या है? श्रोता है, ठीक है। आप क्या है? श्रोता है। क्या है? श्रोता। तो आप, आपकी जगह कभी कभी तुम भी यूज होता है, ठीक है। आप क्या है? श्रोता है। क्लियर है? सिंपल सी बात। तो आप क्या हो गए? मध्य पुरुष हो गए, ठीक है। अन्य पुरुष, उस या वो या फिर वे, ये, वह, इस प्रकार के शब्द क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या हो गए? जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ? एक प्रकार से अन्य पुरुष, ठीक है। तो जिसके विषय में बात की जाए, किसके बारे में, वहाँ पे किसके बारे में बात होती है? पुरुष के बारे में। तो कोई अन्य तीसरा व्यक्ति के बारे में जब बात करी जाएगी, वो क्या होगा? उसे कहेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, समझ गए? जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं किसी किसी व्यक्ति के, मान लो आप आपके फ्रेंड के बारे में बात करें, ठीक है। तो तीसरा व्यक्ति जो होगा उसके बारे में कहेंगे कि वो फलाने ऐसा ऐसा कह रहे थे, वो वह ऐसा कह रहा था, ठीक है। वह, जो इस प्रकार के शब्द होंगे, वो क्या होंगे? अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे तुम कहेंगे तो तुम, या आप कहेंगे तो आप, मतलब मध्य पुरुष। मैं कहूँगा या हम कहेंगे तो उत्तम पुरुष, ठीक है। तो समझ आए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, या फिर अनिश्चयवाचक, दो जो पढ़ लो। चलो निश्चयवाचक पढ़ते हैं सीधे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो निश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, निश्चित संज्ञा के स्थान पर। निश्चित संज्ञा क्या हो सकती है? जैसे ये कार है, ठीक, मान लो ये क्या है? कार है, ठीक है, माय इमेजिनेशन वाली कार, ठीक है, समझ आया? तो ये एक कार है जिसके पहिए लगे हैं, और यहाँ पर एक मैं बुक बना लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, ये है बुक, ठीक है, ये इसकी लाइनें छोटा बड़ा लिखा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये क्या खड़े हैं? ये आप खड़े हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द आते हैं वो हमारी यह और वह, ठीक है, ये दो शब्द आते हैं, यह और वह। क्लियर है? एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, जैसे कौन कौन शब्द आते हैं? यह वह। तो यह किसके लिए होता है? निश्चित वक्ति के लिए, ठीक है, निश्चित दूरी, पास, निकट की वस्तु के लिए, निकट वस्तु, ठीक है। वह दूर स्थित वस्तु, ठीक है। जो हमारा निश्चयवाचक संज्ञा शब्द किसी संज्ञा शब्द का स्थान की ओर संकेत करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, समझ गए। जैसे ये लड़का खड़ा है तो ये कह रहा है या कार, या कार किसकी है? कार उसके पास में, क्या है? कार उसके पास में। तो क्या कहेगा? यह कार किसकी है, किसकी है? या ये कह सकता है यह कार सुंदर है ना। तो यह कार, यह जो शब्द आया है सर्वनाम, किसके लिए? निकट स्थित वस्तु के लिए, ठीक, ये पास में है। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, वह पुस्तक मेरी है। अभी पुस्तक कहाँ है? उससे दूर है, क्या है? उससे दूर है। तो वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, क्या है? अभी मेरे पास मार्कर है, तो मैं कह रहा हूँ यह मार्कर मेरा है, ठीक, यह मार्कर मेरा है, अभी ये मेरे पास है।
अगर कोई दूर स्थित चीज़ है, जैसे अलमारी के पास मेरे से मान लो दूर रखी है कोई चीज़, तो मान लो मेरा पुस्तक रखी है, किताब रखी है, तो क्या कहेंगे, वह किताब मेरी है ना। तो पास के लिए या और दूर के लिए वह यूज करेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा निश्चयवाचक स्वरनाम होगा। तो इसकी स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस पता होता है, इसीलिए इसे हम निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक स्वरनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक में क्या होगा, जहाँ पे जो हमारा संज्ञा शब्द होगा वो निश्चित नहीं होगा, या स्वरनाम जो होगा वो निश्चित नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपके दरवाजे पे नहीं, तो मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, जाके देखो मत, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक स्वरनाम क्या आएंगे, कोई कुछ, ठीक है, क्या आएगा, कोई आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, जैसे ही मैंने कहा कि कोई खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कोई खड़ा है, मतलब कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, वस्तु हो नहीं सकता, व्यक्ति होगा, तो यहाँ पे सजीव, सजीव होगा कोई, सजीव के लिए कोई यूज करेंगे, क्या करेंगे, और निर्जीव चीजों के लिए कुछ यूज करेंगे, क्या करेंगे, कुछ, समझ आया। तो कोई भी खड़ा है तो इंसान होगा ना, कोई जंतु हो सकता है, जानवर हो सकता है, लेकिन जीवित होगा, ठीक है, क्या होगा, वो जीवित होगा, तो जीवित व्यक्ति वस्तु या सॉरी जंतु के लिए कोई यूज करेंगे, और निर्जीव के लिए जैसे डब्बे में, डब्बे में कुछ चावल है, चावल है, अब चावल क्या होता है, निर्जीव होता है, सजीव तो होता नहीं, तो यहाँ पे कुछ जो होता है वस्तु के लिए यूज किया गया, डब्बे में कुछ है, कुछ है, कुछ चावल हैं, ठीक है, कुछ चावल हैं, ऐसे ही आ सकते हैं, या डब्बे में कुछ हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ है, ठीक, अब समझ आओ, अब ये क्या स्वरनाम की तरह यूज हुआ है, डब्बे में कुछ है, ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अनिश्चित है, वहाँ चावल इसलिए हटा दिया क्योंकि चावल के साथ यहाँ पे ये क्या विशेषण का काम कर रहा था, ठीक है, समझ आया। तो अभी ये सही है, चावल डब्बे में कुछ है, ठीक, डब्बे में क्या है, कुछ है, अभी कंफर्म नहीं है, कुछ है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अनिश्चित है, और क्या है अभी, अनिश्चित है, ठीक है, समझ आया, वो भी सही था लगभग लगभग, बट ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो डब्बे में कुछ है, क्या है, निश्चित नहीं है, क्या है, क्लियर है, समझ आया। अगर उसकी बात करें, उसको इस प्रकार से देख सकते थे, डब्बे में कुछ चावल है, कितना चावल है ये नहीं पता, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कितना चावल है, लेकिन चावल है ये पता है, ठीक है, तो वो भी सही था, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको रखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निजवाचक स्वरनाम, ठीक है, निजवाचक स्वरनाम, निजवाचक में देखते हैं क्या होता है निजवाचक स्वरनाम। निज का मतलब होता है अपना, अपना मतलब खुद का मतलब स्वयं का, ठीक है। तो ऐसे शब्द यहाँ पे क्या होगा, आप आता है, तो ऐसे शब्द जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाए वो हमारा निजवाचक स्वरनाम कहलाता है। यहाँ पे आप का अर्थ क्या होगा, आप जो शब्द होगा उस शब्द का अर्थ किसके सापेक्ष लिया जाएगा, अर्थ स्वयं, खुद या खुद ही, अपने आप, स्वतः ही आदि के रूप में लिया जाए। जहाँ पे आपका अर्थ क्या होगा इस प्रकार से आए वहाँ पे निजवाचक स्वरनाम होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल, सांप को मत मारो, सांप को मत छेड़ो, सांप को मत छेड़ो, ठीक है, आप ही चला जाए, या इसको एक सेकंड, चला जाएगा, ठीक है, सांप को मत छेड़ो, चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे सांप बैठा था, तो सांप बैठा था, मैंने कहा सांप को मत छेड़ो, चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, तो यहाँ पे सांप को मत छेड़ो, चला जाएगा, तो इस वाक्य में एक चीज़ गायब है, क्या है, यहाँ पे जो संज्ञा के स्थान, ये संज्ञा है, इसके साथ में दूसरा वाक्य जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। तो कभी कभी वाक्य में क्या होता है, सर्वनाम छुपा हुआ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप, इस सर्वनाम की जगह पे क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं, हंस मत लगा के, आप ही चला जाएगा, आप ही मतलब, आपका मतलब क्या है, स्वयं ही, खुद ही, अपने आप, स्वतः ही चला जाएगा, तो इस प्रकार के अर्थ लगा के हम इसको पूर्ण कर सकते हैं, क्लियर है। तो कभी कभी ये हिडन होता है, तो वहाँ पर निजवाचक स्वरनाम होता है, कौन सा स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, सांप को मत छेड़ो, अपने आप चला जाएगा, स्वतः ही चला जाएगा, स्वयं से चला जाएगा, खुद से चला जाएगा, तो इस प्रकार के स्वरनाम क्या होंगे, निजवाचक स्वरनाम होंगे, क्लियर है। अब आता है हमारा संबंधवाचक स्वरनाम, ठीक है,
क्या आता है? संबंधवाचक। क्लियर है? चलिए संबंधवाचक देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कि जो शब्द संज्ञा शब्द के साथ संबंध दर्शाता है, ठीक है, जो संज्ञा शब्द की जगह यूज होगा और संज्ञा शब्द के साथ संबंध दर्शाएगा, क्या करेगा? संबंध दर्शाता है। जैसे, जैसा एग्जांपल में आते हैं, जैसा वैसा पढ़ा था ना अभी, जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, इसी प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। कहावत सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, है ना, बोलते हैं ना, और जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ठीक है, और जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठाकुर वैसा भरोगे, समझ गए? तो इस प्रकार के शब्द जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा संबंध आते हो, जो संज्ञा के साथ, वो हमारा क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है? चलो मिटा देते हैं इसको, आप लोग नोट्स बना रहे होगे, इसको देख के दोबारा से बना लेना, ठीक है, अभी काम क्या है, टॉपिक जल्दी से इसको कवर करना और अच्छे से समझाना सिखाना, ठीक है, संबंध हो गया। अब एक लास्ट बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा क्या था? पहला वर्ड क्या, कौन, ये दो वर्ड आते हैं, क्लियर, क्या और कौन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिनसे हमें प्रश्न का पता चलता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात समझे, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग जल्दी से, इस बक्से में क्या है, ठीक है, समझ आया, इस बक्से में क्या है, आप लोग जाके बाहर देखो कौन खड़ा है, बाहर जाके देखो कौन खड़ा है, ठीक है, पहले पढ़ लो फिर जाना। तो इस बक्से में क्या है, यहाँ पे क्या है पूछा रहा है, क्या है इस बक्से में, क्या है, ठीक है, तो ये जो क्या आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम क्या हो गया, ठीक है, समझ आया, इस बक्से में क्या है। दूसरा, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे जो कौन है वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। चलिए, ये था हमारा प्रश्नवाचक। एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या है वो पॉइंट, आई होप ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो पॉइंट छूट जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कारक नहीं, सर्वनाम में होने वाले परिवर्तन, सर्वनाम में होने वाले विकार का मतलब दोष पढ़ाए थे ना, दोष समझिए। तो सर्वनाम में होने वाले विकार कौन कौन से होते हैं, तो सर्वनाम किस किस कारण से होता है, हम लोगों ने पढ़ाया था ना, अविकारी, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विकारी पढ़ रहे हैं ना, विकारी में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आते हैं, तो सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो क्या है, विकार उत्पन्न होगा, किसके कारण होता था, लिंग वचन कारक के अनुसार, तो वही देखना है यहाँ पे जो सर्वनाम होता है उस पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो इसमें कारक और वचन, ठीक है, वचन एंड कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है, विकार होता है, ठीक है, किसके कारण होगा, वचन और कारक के कारण, ठीक, समझ आया, वचन और कारक के कारण विकार होता है। जैसे एग्जांपल, कैसे, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो मैं एक वचन, स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है,
एक चीज़ याद रखना, जब भी बहुवचन होगा तो हाँ पर अंक की बिंदी लगेगी, ठीक। जब भी अंक की बिंदी लगी हो जहाँ पर भी, वहाँ पर क्या होगा, वो बहुवचन वाला वाक्य होगा, ठीक है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तो मैं क्या हो रहा है, एक वचन, वचन के कारण को प्रभाव पड़ेगा। अभी हम हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जाता हूँ था, तो यहाँ पर होता है जाते हैं, तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये किसके कारण हो रहा है, वचन के कारण, कारक के कारण प्रभाव पड़ेगा, वो देख लेते हैं कैसे हो पड़ता है। तो कारक के आधार पर सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कारक के आधार पर सर्वनाम, कारक के आधार पर सर्वनाम, ठीक है। कारक के आधार पर सर्वनाम कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। कारक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आगे हम लोग पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल सी कारक काम चलाओ देख लेते हैं। तो पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य में उस आता है या उस भी आता है, अन्य शब्द भी आते हैं। यहाँ पे हम आप को लेंगे, यहाँ पे मैं लूँगा, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे कारक चिन्ह ले लेते हैं, कारक। तो कर्ता कारक यहाँ पे लिख देता हूँ कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, ठीक है, अधिकरण में या फिर पर, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है संबोधन, तो संबोधन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस इन सात पे पड़ता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे, जैसे मैं है तो कर्ता ने, तो ने जुड़ जाएगा, मैंने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने मुझको, यहाँ पे मुझे नहीं, मुझे जैसे मैं होता है यहाँ पे मुझे भी यूज कर सकते, आप है या तुम होगा तो आप यूज कर सकते हो, या फिर तुम मध्यम पुरुष में क्या यूज कर, तुम या आप, तो आप यूज कर लो या फिर तुम यूज कर लो। तो यहाँ आपने, तुम होता तो तुमने, है ना, अन्य पुरुष उस रहे तो उसने, समझ गए, को यूज होगा तो मुझको आपको या फिर तुमको, तुम करोगे तो तुमको, उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा, करण से के द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा, क्लियर है। यहाँ पे आपसे या आपके द्वारा, आपसे या फिर मैं द्वारा सीधे लिख देता हूँ, आपके द्वारा, ठीक है। यहाँ उससे या उसके द्वारा, के द्वारा जुड़ जाएगा, उसके द्वारा, क्लियर। के लिए संप्रदान के लिए, तो संप्रदान, अब मेरे लिए आपके लिए या तुम्हारे लिए, उसके लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, संबंध, यहाँ पे मुझसे आपसे, यहाँ पर से क्या होता है, अलग होने के लिए यूज होता है, ठीक है, उससे, क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है काकी के, तो मुझको, ठीक है, आपको, उसको, क्लियर है। उसके मुझ में या मुझ पर, आप में या आप पर, आपको या आप, सॉरी आप में, सॉरी यहाँ आप नहीं, उसके, उसमें या उस पर, ठीक है। तो ये हमारे कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो जहाँ मैंने यूज करेंगे तो यहाँ मध्यम पुरुष होगा तो आपने हो जाएगा, ठीक है, या अन्य पुरुष के लिए उसने हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो इस प्रकार मुझने, मुझको, आपसे, आपके द्वारा, आप मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, आपको, आपका, ठीक है, मुझसे, मुझ में, मुझ पर, इस प्रकार के ये परिवर्तित होते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। सो ये आज था हमारा लास्ट पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।